नमस्कार मित्रों, टेक हिंदी में आपका फिर से स्वागत है और मैं हूं अंकुर सतवारा। अगर आप कोई स्टूडेंट है और पार्ट टाइम इनकम चाहते हैं या फिर आप कोई जॉब कर रहे हैं और उसके अलावा भी आपको कोई पार्ट टाइम इनकम चाहिए तो ये वीडियो आपके लिए खास है, क्योंकि आज के वीडियो में मैं आपको इंडिया में से ऑनलाइन पैसे कमाने के 10 आसान तरीके बताने वाला हूँ। तो उसे जानने के लिए ये वीडियो देखते रहिए। तो शुरू करते हैं नंबर एक से, जो है रेफरल प्रोग्राम। रेफरल प्रोग्राम को आसान शब्दों में समझाया जाए तो किसी भी प्रोडक्ट या फिर चीज या फिर सर्विस के बारे में अपने दोस्त और रिलेटिव्स को बताना, उसको बताना जिसको आप पर्सनली जानते हो, उससे रेफरल प्रोग्राम कहा जाता है। और वो बताने के लिए आपको भी फायदा होगा और सामने वाले को भी फायदा होगा, वो है रेफरल प्रोग्राम। रेफरल प्रोग्राम का मार्केटिंग एग्जांपल दूं तो आजकल एंड्रॉयड में काफ़ी सारी एप्लीकेशंस अवेलेबल है जिससे आप दूसरों को रेफर यानी कि दूसरों को सजेस्ट करने के लिए आपको वो प्रोग्राम पे करता है। कुछ एप्लीकेशन आपको रियल मनी यानी कि पैसे देता है और कुछ आपको मोबाइल का बैलेंस ऑफर करता है। तो रेफरल प्रोग्राम आपकी अच्छी खासी पार्ट टाइम इनकम बन सकता है। नंबर दो, एफिलिएट प्रोग्राम। एफिलिएट प्रोग्राम काफी कुछ रेफरल प्रोग्राम की तरह ही है, मगर उसमें डिफरेंस इतना है कि रेफरल प्रोग्राम जिनको आप सजेस्ट कर रहे हो वो आपके दोस्त या रिलेटिव्स हो सकते हैं, मगर एफिलिएट प्रोग्राम जिन लोगों को आप सजेस्ट कर रहे हो उनको आप डायरेक्टली जानते नहीं हो। मतलब कि आपकी कोई वेबसाइट चल रही है वो एफिलिएट प्रोग्राम से जुड़ी हुई हो, तो उस पर जाके जो भी एडवर्टाइजिंग या फिर एफिलिएट यूज होता है उसके थ्रू आप पैसे बनाओगे। यानी कि आपकी कोई फेमस वेबसाइट चल रही हो, उस पर आपने फ्लिपकार्ट या फिर स्नैपडील का एफिलिएट लिंक रखा किसी भी मोबाइल या फिर किसी की चीज को खरीदने के लिए, अगर कोई भी आपका डेली कस्टमर डेली व्यूअर्स वो लिंक पे जाके फ्लिपकार्ट पे जाके कोई भी चीज खरीदी करता है तो उसका पैसा यानी कि उसमें से कुछ पार्ट यानी कि 3 या 4% आपको मिलेगा। यही है एफिलिएट प्रोग्राम। काफी कुछ साइट वाले एडवर्टाइजिंग छोड़ के एफिलिएट प्रोग्राम को अपना रहे हैं, क्योंकि आज के लिए सबसे ज्यादा ऑनलाइन खरीदी का मार्केट हो गया है और वह जाके अगर आपके पास इस टाइम पे अच्छी खासी वेबसाइट के व्यूज हो तो आप एफिलिएट प्रोग्राम को यूज करके काफी सारे पैसे बना सकते हैं। नंबर थ्री है शॉर्ट लिंक। अगर आपके पास बहुत अच्छे लाइक्स वाला एफबी पेज हो या फिर काफी सारे व्यूज आ रहे हो, ऐसी कोई वेबसाइट हो या फिर ब्लॉग हो, तो आप शॉर्ट लिंक से काफी अच्छे पैसे बना सकते हैं। जैसे कि आपके पास बहुत सारे लाइक्स वाला एफबी पेज हो, यानी कि आप जान सकते हैं कि बहुत लोगों ने ऑलरेडी आप पर भरोसा बनाए रखा है। अगर आप कोई लिंक डालोगे तो कम से कम 50 या 60% लोग वो लिंक को खोलेंगे और देखना चाहेंगे कि उसमें क्या है, यानी कि एडमिन ने क्या डाला है। तो आप कुछ अच्छे अच्छे इंटरनेट से पोस्ट लेके उसकी शॉर्ट लिंक बना के आपके एफबी पेज पे पोस्ट करोगे तो आपके व्यूअर्स उस शॉर्ट लिंक के थ्रू जाकर वो पोस्ट पढ़ेंगे, यानी कि उस शॉर्ट लिंक पे बीच में जो एडवर्टाइजिंग की जाएगी उसके पैसे आपको मिलेंगे। तो इस तरह शॉर्ट लिंक से पैसे बनाए जा सकते हैं। नंबर चार, एडवर्टाइजिंग ऑन योर फेसबुक पेज। आज की तारीख में आपके पास बहुत सारे लाइक्स वाले एफबी पेजेस हो और आपको कोई आइडिया नहीं है कि वो फेसबुक पेज का आप क्या करें शेयरिंग के अलावा, तो आजकल काफी सारी कंपनियां उस फेसबुक पेज को यूज करना चाहेगी उनकी निजी एडवर्टाइजिंग के लिए और पेज के एडमिन को उसके पैसे मिलेंगे। तो ये बहुत अच्छा आइडिया है अगर आपके पास बहुत सारे लाइक्स वाले फेसबुक पेजेस हो और उसको यूज करना चाहे आप पैसे बनाने के लिए, मगर उसको ज्यादा यूज मत कीजिए एडवर्टाइजिंग के लिए, क्योंकि आपके जो लाइकर्स है जो आप पे भरोसा करके बैठे हैं उनके साथ नाइंसाफी हो सकती है। नंबर पांच, fever.com। fever.com
Fuel.com एक बहुत अच्छी वेबसाइट है और बहुत अच्छा आइडिया है। उस वेबसाइट पे क्या है, पहले तो उस वेबसाइट पे जाइए, वहाँ आपको देखने को मिलेगा $5 में स्केच, $5 में वेबसाइट, यानी कि आपको आइडिया आ गया होगा कि इस वेबसाइट पे क्या है। इस वेबसाइट पे कोई भी सर्विस $5 में अवेलेबल है, यानी कि आप किसी भी चीज में माहिर हो या फिर कोई स्केच बना सकते हो, वेबसाइट सेटअप कर सकते हो, थीम बना सकते हो, लोगो डिजाइन कर सकते हो, तो ये वेबसाइट आपके लिए बहुत अच्छी साबित होगी। इस वेबसाइट में आपको क्या करना होगा, आप जो भी जानते हो या फिर जो भी सर्विस प्रोवाइड करना चाहते हो जो ऑनलाइन पॉसिबल है, वो उसका एड डाल दीजिए आप वहाँ पे जाके, और आपकी प्राइस लिख दीजिए $5 या $10 जो भी आप लेना चाहे, और आपको 2 या 3 दिन में वो सर्विस आपके कस्टमर्स को प्रोवाइड करनी रहती है, और आपको Fuel.com के द्वारा थोड़ा सा परसेंट कमीशन कट होगे, आपको पूरे के पूरे $5 आपको मिल जाएंगे। तो ये बहुत ही अच्छा आइडिया है शुरुआत करने के लिए। नंबर 6, ऑनलाइन सर्वे। आप ऑनलाइन सर्वेस के बारे में तो जानते ही होंगे, मगर आप कंफ्यूज होंगे कि क्या कोई वेबसाइट आपको ऑनलाइन सर्वे के पैसे देगी या फिर फ्रॉड करेगी। तो मैं डिस्क्रिप्शन में जाके एक लिंक पोस्ट कर रहा हूँ जिसमें काफी सारी वेबसाइट्स है जो सक्सेसफुली ऑनलाइन सर्वेस के पैसे चुकाती है। तो ऑनलाइन सर्वे आपके फ्री टाइम का बहुत अच्छा उपयोग बन सकती है और आपकी पार्ट टाइम इनकम भी बन सकती है। नंबर 7, पुरानी चीजों को खरीदना और बेचना। तो आजकल काफी सारी वेबसाइट्स है जैसे कि क्विकर और OLX, उसमें क्या होता है, उस वेबसाइट पे जाके आप अपनी घर पे ना जरूरत हो वैसी चीजों को आप बेच सकते हैं और पैसे बना सकते हैं, या फिर किसी और की पुरानी चीज खरीद सकते हैं और किसी और थर्ड पार्टी को वो चीज ज्यादा पैसे में बेच के भी पैसे बना सकते हैं। मैं अपने काफी रिलेटिव्स को जानता हूँ जो ऑनलाइन OLX या क्विकर से गाड़ी या फिर 2-व्हीलर्स खरीद के कुछ ज्यादा पैसे में वही 2-व्हीलर या कार बेच के पैसे बना रहे हैं। तो ये सबसे आसान तरीका है, अगर आपको ऑनलाइन नॉलेज ना हो, सिर्फ एक क्विकर या फिर OLX ऐप डाउनलोड कीजिए और उसमें देखते रहिए कि कोई अच्छी डील हो तो उसे खरीद लीजिए, और किसी और को थोड़े ज्यादा पैसे में बेच के आप अच्छी खासी इनकम बना सकते हैं। नंबर 8, डोमेन को खरीदना या फिर बेचना। आजकल काफी लोग ऑनलाइन डोमेन खरीद कर बेचने का बिजनेस कर रहे हैं और उसमें से काफी पैसे बना सकते हैं। अगर आपको अंदाजा हो कि कोई पर्टिकुलर डोमेन की प्राइस फ्यूचर में बहुत ज्यादा हो सकती है, आजकल चल रहे कुछ इवेंट्स के ऊपर से आप अंदाजा लगा सकते हैं इस डोमेन की कीमत अगले 5 साल में लाखों में हो सकती है, तो आप सिर्फ डोमेन खरीद लीजिए और उसको हर ईयरली रिन्यू करवाते रहिए, और टाइम आने पर आपको उस डोमेन के काफी सारे पैसे मिल सकते हैं। तो आप एक साथ में बहुत सारे डोमेन्स की खरीदी कर सकते हैं, एक प्रकार का इन्वेस्टमेंट होगा। अगर उसमें से एक भी डोमेन आपका सक्सेसफुली करोड़ों में बिक गया तो आपकी लाइफ बन सकती है। नंबर 9, खुद की वेबसाइट शुरू करें। मुझे पता है कि खुद की वेबसाइट शुरू करना इतना आसान नहीं है, मगर फिर भी खुद की वेबसाइट शुरू करने के लिए आप शुरुआत तो कर सकते हैं। तो आप शुरुआत ब्लॉगिंग से कीजिए, blogger.com पे जाके अपना खुद का ब्लॉगस्पॉट शुरू कीजिए। उसमें बहुत आसान होता है, आप जिसके बारे में ज्यादा जानते हैं या फिर एक्सपर्ट है उसके बारे में ऑनलाइन पोस्ट लिखना या फिर आर्टिकल लिखना होता है, और कुछ ज्यादा आर्टिकल हो जाए और व्यूअर्स आने लगे तो फिर आपका ब्लॉगर एडसेंस के लिए अप्रूव में रखिए। अगर आपका ब्लॉगर एडसेंस के लिए अप्रूव हो गया तो फिर गूगल उस ब्लॉगर पे एडवर्टाइजिंग करेगा और उस एडवर्टाइजिंग के पैसे आपको मिलेंगे। वैसे ही जैसे आपकी कोई वेबसाइट हो और उसको आप मेंटेन कर रहे हो और आप डायरेक्टली जाके गूगल से अप्रूवमेंट मांग सकते हैं उस पे एडवर्टाइजिंग करने के लिए। और मेरी माने तो एडवर्टाइजिंग में बहुत सारे पैसे हैं अगर आपके व्यूअर्स अच्छे खासे हो तो, और गूगल एडसेंस सबसे बेस्ट एडवर्टाइजिंग प्रोग्राम है बिगिनर्स के लिए और ब्लॉगर्स के लिए। काफी सारी टॉप की वेबसाइट्स भी गूगल एडसेंस
प्रोग्राम यूज कर रही है और उनकी एडवर्टाइजिंग यूज कर रही है, यानी कि गूगल सबसे ज्यादा एडवर्टाइजिंग मार्केट में पे करता है, तो उसका यूज कीजिए और अपनी वेबसाइट या ब्लॉगर को आज ही एडसेंस अप्रूव के लिए रखें। नंबर 10 और मेरा सबसे फेवरेट तरीका ऑनलाइन पैसा कमाने का, यूट्यूब। अगर आप यूट्यूब पे वीडियोस अपलोड कर रहे हो और अच्छे खासे सब्सक्राइबर्स हो, तो आज ही आप चैनल में जाके मोनेटाइजेशन ऑप्शन ऑन कर दीजिए और आपके वीडियो में ऑटोमेटिकली गूगल एडवर्टाइजिंग शुरू कर देगा और उसके पैसे आपको एडसेंस थ्रू आपके बैंक अकाउंट में आ जाएंगे। ये सबसे आसान तरीका है, मगर डेली क्वालिटी वीडियो बनाना वो आसान नहीं है। तो पहले तो आप शुरू कीजिए यूट्यूब पे वीडियोस बनाना। मुझे पता है कि उतना आसान नहीं रहेगा वीडियोस बनाना, मगर शुरुआत करना वो सबसे आसान तरीका है। कम से कम कोई चीज आप शुरुआत करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आगे आगे कैसी मुश्किलें आती है और वो कैसे हल होगी, और आप अच्छे खासे यूट्यूबर बन गए और आपकी चैनल के अच्छे खासे सब्सक्राइबर्स आ गए, तो आप सोच भी नहीं सकते कि इसमें कितने पैसे है। एक अच्छा खासा यूट्यूबर जिसके लाखों सब्सक्राइबर्स है, वो एक महीने में करोड़ों कमा लेता है। तो आज ही शुरुआत कीजिए। तो मित्रों, ये थे 10 तरीके इंडिया में आसानी से ऑनलाइन पैसे कमाने के। अगर आपको कोई एक तरीका इस 10 तरीकों में से पसंद आया हो, तो आज ही इंडिया में से ऑनलाइन पैसे कमाने की शुरुआत कीजिए और आपकी अच्छी खासी पार्ट टाइम इनकम शुरू कीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, ना पसंद आया तो डिसलाइक कीजिए। अगर आप सोच रहे हैं इससे भी ज़्यादा कुछ तरीके जो आप जानते हैं इंडिया में से ऑनलाइन पैसे कमाने के, तो कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कीजिए, हमारे व्यूअर्स को पता चले कि और कौन से तरीके हैं इंडिया में से ऑनलाइन पैसे कमाने के लिए, और हमें और टेक हिंदी को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब। हेलो मित्रों, टेक हिंदी में आपका फिर से स्वागत है और मैं हूं अंकुर सथवारा। तो आज की वीडियो में मैं आपको 5 ऐसे रीजन बताने वाला हूं कि आपको लगेगा कि नया मोटो एक्स प्ले जो अभी लॉन्च हुआ है और फ्लिपकार्ट पे एक्सक्लूसिवली अवेलेबल है, वो आपको अभी क्यों बाय करना चाहिए।